नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट स्काउटिंग चैनल पे स्वागत है। आपने ये थंबनेल देखकर वीडियो शुरू किया है तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बस इस वीडियो पे अंत तक बने रहिए, आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू ऑल विक्टिम्स ऑफ मॉब लिंचिंग बिकॉज ऑफ रूमर्स दैट स्प्रेड ऑन सोशल मीडिया। ये वीडियो उन बेगुनाह बेकसूर लोगों को समर्पित है जो कि सोशल मीडिया पर फैले अफवाहों का शिकार हो चुके हैं। इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया आज आप घर बैठे आपके उंगलियों पे नचा सकते हैं। इंटरनेट जितना फायदेमंद है उतना ही नुकसानदायी है। सोशल मीडिया के जरिए आप दुनिया में कहीं भी कभी भी किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो। पिछले कुछ दिनों से अखबार टीवी न्यूज में आपने देखा होगा कि कैसे लोग व्हाट्सएप फेसबुक पे फैलाए गए अफवाहों यानी रूमर्स की बिना जांच पड़ताल के उस मैसेज पर इकट्ठा होते हैं और मॉब में कुछ ऐसी हरकत कर बैठते हैं कि बेकसूर इनोसेंट लोग अपनी जान गवा बैठते। ऐसी घिनौनी हरकतें अपने इंडियन होने पर एक धब्बे या कलंक जैसी है। लोग इकट्ठा होते हैं और किसी को भी शक की बुनियाद पे सीधे पिटने लगते हैं, सीधा इंसाफ करने पर उतर आते हैं, जैसे भारत देश में लॉ ऑर्डर की कोई भी चीजें ही नहीं हो। इस हरकतों से पूरे देश में डर का माहौल बन रहा है। आप कहीं भी घूमने बाहर निकलेंगे तो आप भी इन चीजों से नहीं बच सकते, क्या पता आप भी इसके अगले शिकार हो सकते हो। घटी हुई इन दुर्घटनाओं से हमें हमारे देश पर समाज पर होने वाले विपरीत परिणाम का पता नहीं है। जैसे कि पूरे देश में आज डर का माहौल है कि मैं बाहर जाता हूँ और किसी एक फेक मैसेज की वजह से मुझ पे लोग हमला बोल देते हैं। आपको इन इकट्ठे लोगों के द्वारा किडनैपर या कुछ और कहकर गुनाहगार होने का करार दिया जाएगा और उसकी सजा के तौर पे एक ही सजा सुनाई जाएगी और वो होगी सजाए मौत। आपको पीटा जाएगा। इसी घटनाओं से फैल रहा है डर, दहशत। आपने हाल ही में एक वीडियो देखा होगा जिसमें किडनैपर बच्चे उठाकर ले जाते हैं, जो कि पूरी इंडिया में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। क्या आपने इस वीडियो की सच्चाई जानने की कोशिश की? आप में से बहुत से लोगों ने इसे फॉरवर्ड भी किया होगा। असल में ये वीडियो था अपने पड़ोसी राष्ट्र के एक शहर का, जहां हर मिनट में किडनैपिंग हो रही है। उस राष्ट्र का जिसे पूरे दुनिया में आतंकी राष्ट्र कह के पहचाना जाता है, और उसी देश के लोग भारत में ऐसा वीडियो फैला रहे हैं ताकि दहशत का माहौल भारत में भी बन जाए और यहाँ का सोशल फैब्रिक पूरी तरह से टूट जाए। भारत एक डेमोक्रेटिक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र है। अमन प्रिय भारत में डर का माहौल बनाना बहुत सारी असामाजिक तत्वों का और दहशतवर्दों का मकसद है। हम भारत देश में कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं, रह सकते हैं। हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग हैं और उनमें भाईचारा भी है। इसका अपने पड़ोसी राष्ट्र को बहुत अफसोस है, दुख होता है उन्हें, और सोशल मीडिया के जरिए वो हमारे घर तक पहुंच सकते हैं और हमें वो इससे डरा सकते हैं। और हम लोग बिना सोचे समझे इसी मैसेज को, वीडियो को, इमेज को फॉरवर्ड कर देते हैं और उनके दहशत की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे बहुत से वीडियो आज भी व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर होते हैं और आपकी गलती की सजा कोई और बेगुनाह भुगत रहा होता है। इन सभी असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए एक ही ऑप्शन है कि आप इंटरनेट साक्षर बने। जब आप छोटे थे तब आपको जब भी आपके माता पिता पैसे देते थे उस वक्त बताते कि संभल के खर्च करना, लेकिन आज हमारे पास इंटरनेट है, उस पे हम व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं, लेकिन हमें कोई नहीं बताता कि इसे हम कैसे सेफली यूज कर सकते हैं। इन सभी असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए एक ही ऑप्शन है कि आप इंटरनेट साक्षर बने, सर्व स्मार्ट जैसे कोर्स में भाग ले। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट्स द्वारा शुरू किया गया सर्व स्मार्ट का प्रोफिशिएंसी बैच को पूरे करने के लिए हमें 6 एक्टिविटी पूरी करनी होगी, 2 कनेक्ट की, 2 प्रोटेक्ट की और 2 रिस्पेक्ट की, जो आपने पिछले वीडियो में जाना। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो राइट साइड पे दिए गए आई बटन पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज हम कनेक्ट की एक्टिविटी व्हाट्स द मैसेज करने वाले हैं। इसके लिए हम एक खेल खेलेंगे। स्काउटिंग में खेल से हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो आप भी इस खेल को देखिए और आपको अपने ही आप पता चल जाएगा कि अफवाह यानी कि रूमर्स कैसे फैलती है। तो चलिए हम खेल शुरू करते हैं। इस एक्टिविटी के लिए हमने कुछ स्काउट्स और गाइड्स को एक लाइन में खड़ा किया है और लास्ट खड़े होने वाले व्यक्ति को हम एक मैसेज देंगे और उसे वो आगे तक भेजना है। तो चलिए वीडियो देखते हैं।
तो अभी आपने इस खेल के मजे लिए होंगे, होप यू एंजॉय द गेम। अब आप वीडियो पॉज कीजिए और आपको इस खेल से क्या पता चला इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, चीटिंग नहीं करना। चलिए वीडियो को पॉज कर दीजिए। होपफुली अभी आपने कमेंट बॉक्स में लिखा होगा कि आपको इस खेल से क्या पता चला। तो चलिए वेरीफाई करते हैं कि आपने इस खेल से क्या जाना, किन चीजों पे आपने गौर किया या नहीं किया। पहला पॉइंट, खेल देखने के बाद आपको पता चला होगा कि आपने भेजा हुआ मैसेज कैसे बदल जाता है। दूसरा पॉइंट, क्या आप मैसेज बदलने वालों का अनुमान लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, आप जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पोस्ट करते हैं तो क्या आपका इस इंफॉर्मेशन पे कितना कंट्रोल होता है, इसके बारे में आपने कभी सोचा है? नहीं तो सोचिए। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे और आपके चैनल ऑल अबाउट स्काउटिंग को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया के ऊपर बिना जांचे कोई भी मैसेज ना फैलाए। फिलहाल आप व्हाट्सएप फेसबुक पे ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी जान जाए और रूमर्स कैसे फैलती है उसके बारे में अवेयर हो जाए। अपने ऑनलाइन सेफ्टी की तरफ ध्यान दे, इंटरनेट बुरा नहीं है, इसे सुरक्षित यूज करे, क्या पता आप ही कल इसके शिकार हो। इसीलिए ऑनलाइन हमेशा सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।